हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साक्षी ठाकुर और आज हम बात करेंगे एक हॉलीवुड मूवी पीट्स ड्रैगन के बारे में, जिसमें हमें एक छोटे बच्चे और एक बहुत बड़े से ड्रैगन की स्टोरी बताई जाती है, उनका बॉन्ड बताया जाता है। सो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटा बच्चा पीट अपने पेरेंट्स के साथ जाता दिखाई देता है, जो अपनी बुक में एक पपी की स्टोरी पढ़ रहा होता है जो एक एडवेंचर पर जा रहा है। वो पूछता है अपने पेरेंट्स से कि एडवेंचर क्या होता है। उसके डैड बोलते हैं, एडवेंचर जहां हम अभी जा रहे हैं इस घने जंगल में, जहां दूर दूर तक कोई ना हो, बस तारों के साथ चलते रहें। फिर वो क्यूट बेबी पूछता है, क्या वहां पे डर नहीं लगता? उसके डैड बोलते हैं, डर तो सबको लगता है, लेकिन बहादुर होना ज़रूरी है। क्या तुम बहादुर हो? उसकी मॉम बोलती है, तुम बहादुर हो, तुम बहुत बहादुर हो मेरे लिए, तुमसे बहादुर तो और कोई भी नहीं है पीट। फिर अचानक से उसकी कार के सामने एक जानवर आ जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली उसके पेरेंट्स की मौत हो जाती है, लेकिन होपफुली वो क्यूट सा बच्चा बच जाता है। वो देखता है कि उसके मॉम डैड अब नहीं रहे, वो रोने लगता है और उस घने जंगलों में जानवर की आवाज़ें आती हैं, जिससे वो बहुत डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है। तभी अचानक उसे बहुत तेज़ ही डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो देखता है कि एक बहुत बड़ा सा ग्रीन कलर का ड्रैगन उसके सामने आता है, जिसे देखकर वो बच्चा बहुत डर जाता है। वो ड्रैगन उसके पास आता है, उसे देखता है। वो क्यूट बच्चा उससे कहता है, क्या तुम मुझे खा जाओगे? जंगल में जानवरों की डरावनी आवाज़ें हो रही होती हैं। तो ड्रैगन उसको देखकर उस बच्चे को अपने साथ लेकर अपने हाथों पर बैठाकर उड़ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि 6 साल बीत चुके हैं। हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम मिस्टर मीचम है, जो छोटे बच्चों को ड्रैगन की कहानियाँ सुनाया करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि ड्रैगन उत्तर दिशा से आते हैं अपने झुंड के साथ, और अगर कोई ड्रैगन उनसे अलग हो जाता है या बिछड़ जाता है तो वो भी उसी जंगल में रहने लगता है। लेकिन कभी किसी ने उस ड्रैगन को नहीं देखा, सिर्फ मैंने देखा है। तभी उसकी बेटी वहाँ आ जाती है और कहती है, फिर से बच्चों को डरा रहे हो डैड। मिस्टर मीचम बोलते हैं कि नहीं, मैं तो सिर्फ उन्हें सच बता रहा हूँ कि घने जंगल में होता क्या है। उसकी बेटी कहती है कि मुझे वहाँ सब जानवर दिखे, लेकिन कभी कोई ड्रैगन नहीं दिखा। उसके डैड कहते हैं, जो नज़र ना आए इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई वजूद नहीं। उसकी बेटी कहती है, पर डैड कभी कभी नज़र आने वाली चीज़ भी धोखा हो सकती है। खैर, मैं अब भी वहीं जा रही हूँ, आकर बताऊँगी सबको, मुझे कोई ड्रैगन दिखा दो। तभी एक बच्ची बोलती है, मिस्टर मीचम मुझे आप पर विश्वास है। मिस्टर मीचम कहते हैं, शुक्र है किसी को तो है। मेरी बेटी के लिए तो सिर्फ वही चीज़ सच है जो उसके सामने होती है, पर ज़िंदगी में जो आपके सामने है उसको ही देखते रहोगे तो अनोखा कभी नहीं देख पाओगे। तो आँखें खुले रखना बहुत ज़रूरी है। मैं दावा करता हूँ कि वहाँ ड्रैगन है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जंगल दिखाया जाता है, जहाँ वहीं छोटा क्यूट बच्चा पीट एक खरगोश के साथ खेल रहा होता है। वो उससे हरे ड्रैगन के साथ रहता है और उस ड्रैगन को उसने एक नाम भी दिया है, एलियट। दिखाया जाता है कि वो साथ में बहुत मस्ती करते हैं, खेलते हैं, वहाँ जंगल में इधर उधर भागते हैं। एलियट अपने रंग का फ़ायदा उठाकर पेड़ों में छुप सकता है, वो अपना रंग बदल सकता है जिससे उसे कोई ढूंढ ना सके। वो दोनों ही अपने घर जा रहे होते हैं। एलियट देखते हैं कि वहाँ कोई लड़की आई है, जिसे देखकर वो अपना रंग बदल कर गायब हो जाता है, छुप जाता है। वो बच्चा पीट छुप कर उसे देख रहा होता है। वो उसके बैग से एक कंपास को चुरा लेता है। वो पीछे मुड़कर देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी एक आदमी वहाँ आता है और कहता है, अब हमें चलना चाहिए ग्रेस। वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर पीट और एलियट अपने घर जाते हैं एक गुफा में। वो आपस में बातें करते हैं। पीट एलियट से कहता है, पता नहीं वो कहाँ से आई थी, तुम डरना मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर अगले दिन सुबह पीट को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो भागकर बाहर जंगल में देखने जाता है। वो छुपकर देखता है कि कुछ लोग वहाँ पेड़ों को गिरा रहे होते हैं। क्रिस जंगल के इतने अंदर तक पेड़ काटने के लिए मना कर रही होती है अपने फियांसे जैक से, लेकिन वो कहता है कि ये मैंने ऑर्डर नहीं दिया। दरअसल ये ऑर्डर गेविन ने दिया होता है, जो जैक का भाई है। जैक की बेटी गाड़ी से उतर कर आती है और बोलती है कि मुझे स्कूल भी जाना है। जैक उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। उसकी बेटी जंगल में इधर उधर घूमने लगती है और पीट को देख लेती है। उसे देखते ही पीट वहाँ से भाग जाता है और वो भी उसके पीछे जाती है। वो उसके पीछे पीछे उसके एक पेड़ पर चढ़ने लगती है, तभी फिसल जाती है और पीट उसे बचाने की कोशिश करता है। वो उससे पूछती है कि तुम कितने साल के हो? पीट कहता है, 5। वो लड़की कहती है, 5 साल के बच्चे इतने बड़े नहीं होते।
वो उससे उसका नाम पूछती है, फिर कहती है कि मेरा नाम नेटली है। फिर जैक उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। नेटली कहती है मैं पेड़ से नीचे गिर गई। तब जैक कहता है कि तुम यहाँ आई ही क्यों। तब वो बताती है कि वो पीट के पीछे आई थी। पीट उन्हें देखकर डर जाता है। तब ग्रेस उससे पूछती है तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं और तुम्हारा घर कहाँ है। फिर वो देखती है कि उसके गले में वही कंपास होता है जो पीट ने उसके बैग से चुराया होता है। वो उसे रोकते हैं लेकिन वो भाग जाता है और घायल होकर गिर जाता है। तभी एलियट सोकर उठता है और पीट को आवाज़ें लगाता है, उसे ढूंढता है। तभी जैक केविन से कहता है कि जब तक रेंजर्स और फॉरेस्ट साइड के लोग इस बच्चे के बारे में पता नहीं लगा लेते तब तक के लिए वो इस जगह को सील कर देंगे। जैक उससे मना करता है इस जंगल को काटने के लिए, लेकिन केविन उसकी बातें नहीं मानता। वो घायल पीट को अपने साथ ले जाते हैं। तभी वहाँ एलियट आ जाता है, उन्हें देखता है। वो पेड़ के पीछे से छुपकर उन्हें देख रहा होता है। तभी एक पेड़ गिर जाता है और वो लोग एलियट को ढूंढने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। अगले सीन में पीट उठता है। अब वो अपने आप को किसी और जगह पर पाता है और एलियट को ढूंढने लगता है। क्रिस हॉस्पिटल में होती है और वहाँ पुलिस से बात कर रही होती है पीट के बारे में, हमें जल्द से जल्द पता लग जाना चाहिए। लेकिन पीट हॉस्पिटल से भाग जाता है। वो सब पीट को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसे ढूंढ लेते हैं। वहीं जंगल में केविन उस जानवर को ढूंढ रहा होता है जिसने पेड़ गिराया था। क्रिस पीट को घर ले जाती है और उससे कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे घर कल जंगल ले चलूंगी, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा सब कुछ तुम कहाँ रहते हो। तभी जंगल में केविन एलियट की गुफा में पहुंच जाता है। उसे वहां पीट की बुक मिलती है जो केविन लेकर जा रहा होता है, लेकिन गुस्से में एलियट उन पर हमला कर देता है और बुक ले लेता है। वो सब अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। क्रिस को कॉल आता है पुलिस स्टेशन से। वो ऑफिसर उससे बताता है कि रिकॉर्ड्स में एक पुरानी फाइल मिली है और उससे पीट के बारे में बताता है कि उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। केटली पीट से पूछती है कि एलियट तुम्हारा इमेजिनरी फ्रेंड है, क्योंकि वो एलियट की ड्राइंग बना रहा है। उधर एलियट पूरे शहर में पीट को ढूंढ रहा होता है। वो ड्राइंग देखकर नेटली कहती है कि ये तो ड्रैगन जैसा है, जो कि एक सॉन्ग में है जो मेरे डैड मुझे बताते हैं। उसमें ड्रैगन्स के रहने की जगह बताई गई है। वो बताती है कि उत्तर दिशा में ध्रुव तारे को देखकर हम उस रास्ते का पता लगा सकते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि बहुत सारे ड्रैगन्स वहाँ पर हैं। तभी वहाँ ग्रेस आती है, पीट से कहती है कि मेरा कंपास ढूंढने के लिए थैंक यू, ये मुझे मेरे डैड ने मेरे 10th बर्थडे पर दिया था ताकि जब मैं कहीं खो जाऊं तो घर का रास्ता ढूंढ सकूं। वो उससे कहती है तुम अकेले नहीं हो, खुद को कभी अकेला महसूस मत करना। तब पीट कहता है जानता हूं, मेरे साथ एलियट है। वो उससे कहती है कि तुम मुझे एलियट के बारे में बताओ कि वो कौन है। तब पीट उसे अपनी ड्राइंग दिखाता है। वो देखती है कि ये वही हरे रंग का ड्रैगन है। पीट कहता है उसे हर कोई पसंद नहीं आता, लेकिन आप उससे अच्छी लगोगी, वो कल मिलेगा तब देख लेना। ग्रेस उससे कहती है तुम बहुत बहादुर हो, मैंने तुम जैसा बहादुर लड़का कभी नहीं देखा। केविन जैक के पास आता है, उसे ड्रैगन के बारे में बताता है। ग्रेस भी ये सब सुन लेती है। जैक केविन के साथ जंगल जाने से मना कर देता है तो केविन नाराज होकर वहां से चला जाता है। तभी एलियट पीट को ढूंढते हुए उसी घर पे पहुंच जाता है। एलियट उसे उस फैमिली के साथ देखता है और बहुत दुखी होकर वहां से चला जाता है। क्रिस अपने डैड से बात करती है और पीट के बारे में सब बताती है। वो कहती है कि डैड प्लीज मुझे सब बताइए। तो वो उसने उसे कैसे ड्रैगन को देखा सब बताता है। अगले दिन सुबह पीट, क्रिस और नेटली जंगल जाते हैं। क्रिस पीट से कहती है कि क्यों ना हम किसी ऐसे को साथ ले चले जो एलियट को जानता है। तो वो अपने साथ अपने डैड को भी ले लेती है। वो जंगल पहुंच चुके होते हैं। पीट अपनी गुफा में एलियट को ढूंढता है। तब पीट एलियट को बाहर लेकर आता है। सब उसे देखते रह जाते हैं। तभी वहाँ केविन अपने लोगों के साथ पहुँचता है और उस पर हमला कर देता है, उसे पकड़ लेता है, उस पर गोलियाँ चलाकर उसे बेहोश कर बंदी बना लेता है। वो उसे अपने साथ ले जाता है। पीट बहुत दुखी होता है, रो रहा होता है एलियट की ऐसी हालत देखकर। क्रिस कहती है कि पीट आई प्रोमिस यू एलियट को कुछ नहीं होगा। केविन किसी की बात नहीं सुनता। वो कहता है कि ये ड्रैगन मुझे वर्ल्ड फेमस बना देगा, वो इससे बहुत पैसा कमाएगा। वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स और डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाता है उसे दिखाने के लिए। पीट और नेटली सबसे छुप कर एलियट के पास जाते हैं।
चेक पुलिस फोर्स को भी बुलाता है। बाहर सभी लोगों में बहस हो रही होती है। जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं होता। वो उसे ढूंढने बाहर जाते हैं, लेकिन वो ड्रैगन यानी एलियट उसी जगह होता है, क्योंकि वो रंग बदल सकता है, गायब हो जाता है, जिससे उसे कोई भी देख नहीं सकता, बिल्कुल एक मैजिक की तरह। तब क्रिस के डैड और बच्चे वो चेक लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी गेविन उसका पीछा करने के लिए कहता है, क्योंकि वो सब उसे पकड़ना चाहते हैं। वो तेजी से उनका पीछा कर रहे होते हैं। पीट एलियट से कहता है कि तुम उड़ जाओ, लेकिन एलियट उड़ नहीं पाता। केविन ट्रक को ओवरटेक करके सामने खड़ा हो जाता है उन्हें रोकने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रक का ब्रेक फेल हो जाता है। तब केविन सामने से हट जाता है और वो लोग कार से टकराते हुए आगे निकल जाते हैं। तभी पीछे से पुलिस और बाकी लोगों की गाड़ियां आता देख एलियट को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उनके सामने जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो उन्हें रोकने के लिए अपने मुंह से आग फेंकने लगता है, ताकि वो पुल टूट जाए और वो लोग आगे ना जा पाए। पीट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। जैक और ग्रेस की गाड़ी पुल से नीचे गिरने लगती है। तभी पीट के कहने पर एलियट उन्हें बचा लेता है। केविन देखकर खुश होता है कि एलियट ने उसके भाई की जान बचाई है। तभी वहाँ ऑफिसर्स के हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। उसे देखकर एलियट पीट को साथ चलने के लिए कहता है। उसे लेकर वहाँ से उड़ जाता है और वो वापस अपने उस घर उस जंगल में चले जाते हैं। तब पीट कहता है कि अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते एलियट, सबको पता है कि तुम यहाँ रहते हो, वो फिर से तुम्हें ढूंढने यहाँ पर आएंगे। एलियट सैड होकर पीट से उनके पास वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसको एक फैमिली की ज़रूरत है। तब पीट कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, और एक प्यारा सा बॉन्ड दोनों के बीच दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पीट ग्रेस के पास चला गया है। एलियट उसे छोड़ने आता है और फिर वहाँ से वापस चला जाता है। उसके बाद से किसी ने उस ड्रैगन को कभी नहीं देखा। टाइम बीत जाता है। फिर लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो फैमिली यानी कि पीट जानता है एलियट कहाँ पे रहता है। वो हमेशा ही उससे मिलने जाया करता है, उसके साथ मस्ती करता है, और अब एलियट भी अपने घर यानी अपनी फैमिली के पास पहुंच चुका है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।